भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के बयान पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस बयान को लेकर आक्रामक है और लगातार आरोप लगा रही है। कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के भगवान जगन्नाथ को लेकर दिए बयान पर कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है। कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप पर भाजपा प्रवक्ता सत्यन जैन ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चेहरा ही भ्रमित है। कभी सलमान खुर्शीद राहुल गांधी को भगवान राम से बड़ा बताते हैं, कभी राहुल गांधी कहते हैं कि शक्ति से उनकी लड़ाई है, कभी कहते हैं कि राम नहीं है। जब आत्मा परमात्मा है तो हर व्यक्ति में राम और कृष्ण है। कांग्रेस का चिंतन और दर्शन ही भ्रमित होता है, उसमें बहुत सारे अपभ्रंश है। आप देखिए कि कांग्रेस जब सलमान खुर्शीद कहते हैं राहुल गांधी राम से बड़े हो गए, राम से तो भगवान राम से तुलना करते हैं, और कांग्रेसियों के वो कहते हैं कि जो कांग्रेसी चल रहे हैं वो उनकी खड़ाऊ लेके चल रहे हैं, तो और तब कोई कांग्रेसी कुछ नहीं बोलता है, तब क्या कार्रवाई की थी कांग्रेस ने उनके ऊपर? ऐसा अनेकों नेताओं की उदाहरण पर है जिन्होंने अपने कांग्रेस में अपने नेताओं को भगवान से तुलना की है, देवियों से तुलना की है। और वो अब राहुल गांधी जी कहते हैं उन शक्ति से लड़ाई है उनकी, राहुल गांधी जी स्वयं कहते हैं कि राम जो है राम लहर नहीं है, अभी उन्होंने कहा था कि कोई राम लहर नहीं है चुनाव में। तो देखिए ये लोग भगवान राम का अस्तित्व नकारने वाले लोग हैं, और हम तो ये कहते हैं कि जब आत्मा परमात्मा बन सकती है तो हर व्यक्ति एक एक राम बन रहा है, एक एक व्यक्ति कृष्ण बन रहा है, हर माताएं बहनें नारायणी बन रही हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।